नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज़ के साथ, मैं हुआ सर। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी शहर या किसी भी गांव में अगर जब कोई विकास होता है तो वहां की जनता की चेहरों पे खुशियां ही खुशियां होता है, लेकिन इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मैं आज बाएँ बात कर रहा हूँ गढ़वा जिले के बिष्णुपुरा प्रखंड के ग्राम पिपरी कला पंचायत, ये पिपरी कला में है जो ग्राम सारों में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे एक बहुत चीज़ मतलब अनियमितता यहाँ पे पाई गई है। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सड़क तकरीबन जो मतलब 7 से 8 करोड़ की लागत में, ये लगभग 7 किलोमीटर में बनने वाली सड़क, जो बिल्कुल मतलब यहाँ पे अनियमितता को देखते हुए ग्रामीणों ने इस चीज़ का विरोध किया है और इस काम को रोका है। मैं एक मरतबा मैं कैमरे मैन से चाहूँगा कि सड़क को आप दिखाएं। आप देख सकते हैं ये सड़क वही सड़क है जो पिचिंग है, जो तकरीबन 7 किलोमीटर में मतलब बनने वाली, इसकी अब कितना एस्टिमेट में है क्या है इसमें, तमाम इन जानकारियों को लेकर चलिए मैं यहाँ के मैं ग्रामीणों से मैं बात करता हूँ। तो आप इस सड़क को आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो भी मतलब सड़क है यहाँ पे अनियमितता को देखकर ग्रामीणों ने इस काम को बंद किया है। तो मैं यहाँ के खुद मैं ग्रामीणों से बात करता हूँ। तो आप जैसे मान लीजिए ये बताएं जो मतलब ये सड़क बने, मतलब इसमें क्या चीज़ के मतलब कमी की वजह से काम को बंद किया गया? संवेदक द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, पतिहारी होते हुए बनाम हुरी जो प्रधानमंत्री के तहत रोड बनाया जा रहा है, वह में जो पीच का मात्रा या पीच देने का काम जो किया जा रहा है वह घटिया किस्म के किया जा रहा है। मैंने पीच उसमें अवेलेबल नहीं दिया जा रहा है। संवेदक द्वारा पूछे जाने पर बताया जाता है कि 20 mm पीच देना है, लेकिन यहाँ जब हम लोग देखे तो कहीं 5 mm कहीं 10 mm, इससे ज़्यादा कहीं पीच नहीं है। और इसमें जो भी पीच का कार्य हो रहा है उसमें घटिया क्वालिटी का कार्य किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप मतलब इसमें बताया कि घटिया मतलब इसमें काम किया जा रहा है, तो जैसे मान लीजिए बीच में कितना 1 mm आ रहा है? बीच में कहीं 10 है कहीं 15 mm है, और किनारे किनारे कहीं 5 है कहीं 10 mm है। ये बताया मतलब इसको बनाने का कितना एस्टिमेट? बनाने का संवेदक द्वारा बताया जाता है कि 20 mm देना है हमको। 20 mm जी, पूरी तैयारी? हाँ, पूरी तैयारी करके 20-25 mm बोलते हैं कि देना है। तो देखा इन्होंने कहा कि मतलब पूरी मतलब कंप्लीट मतलब तैयारी 20 से 25 mm मतलब इसमें देना है, जिसमें कि मतलब किनारे कहीं मतलब बिल्कुल 0 के बराबर है और बीच में मतलब कहीं मतलब जो भी मतलब एस्टिमेट है, आप इतना समझ लीजिए मतलब एस्टिमेट के मुताबिक ये सड़क मतलब कहीं भी उस तरह का नहीं है। तो चलिए मैं इस जानकारी के विषय में मैं यहाँ के ग्रामीणों से मैं बात करूँगा और मैं इस चीज़ को मैं दोबारा बता दूं कि आप समझ सकते हैं जब कोई भी विकास होता है तो ग्रामीणों की चेहरों पे बिल्कुल खुशियां मतलब झलकती है, लेकिन आप इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि मतलब ग्रामीणों की चेहरे से जो मतलब खुशियां झलक रही थी, सारी मतलब खुशियों को बिल्कुल छीना जा रहा है। तो मैं यहाँ की मैं ग्रामीणों से मैं बात करूँगा। तो आप जैसे मान लीजिए ये बताएं जो मतलब ये सड़क बन रही है तो मतलब इसमें क्या मतलब अनियमितता पाई गई है? इसमें जो भी रोड बन रहा है ये सब घटिया किस्म के रोड बन रहा है, और इस रोड बनने से यहाँ के जनता में खुशी का लहर नहीं है। सब जो है से यहाँ के लोगों को मायूसी छाया हुआ है। रोड बनने से पहले लोगों को जानकारी हुआ था कि पतिहारी माड़र तर से लेकर के ग्राम हुरही तक रोड PCC और पिचिंग बनने वाला है, तो इसी बात को सुन करके ग्रामीणों को बहुत उत्साह और खुशी हुआ था कि हमारे गांव तक हमारे घरों तक रोड बनने से हम लोग को आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब ये ठेकेदार जो है से संजय सिंह ने रोड बनाने का काम जब शुरू किया तो ये पिचिंग जो है से घटिया किस्म के दे रहा है, और इसमें जो है से ग्रामीण लोग जुट करके ये जो है से पिचिंग होने पर जो है से बहिष्कार किया है, और इस बहिष्कार से संजय सिंह के कहना है ठेकेदार के कि 20 mm हमको रोड एस्टिमेट में है, लेकिन नापा गया स्थल पर तो 20 mm रोड नहीं हो, बहिष्कार किया है, और इस बहिष्कार से संजय सिंह के कहना है ठेकेदार के कि 20 mm हमको रोड एस्टिमेट में है, लेकिन नापा गया स्थल पर तो 20 mm रोड नहीं हो करके कहीं 5 mm कहीं 10 mm रोड हो रहा है, जिसके चलते हम लोग जो है से काम रोकने का काम कर रहे हैं, और विशेष जो है से इस पर जो है से प्रक्रिया
होना चाहिए और रोड जो है से सही ढंग से बनना चाहिए। इसका आप ये बताया, जैसे मान लीजिए इसमें बताया कि मतलब घटिया सामग्री से इसका कार्य किया जा रहा है, तो इसका लागत कितना है? इसका लागत तो अभी बताने के अनुसार से मौखिक रूप से संजय सिंह बताते हैं कि 14 से 15 करोड़ रुपया का है, लेकिन अब वास्तविक क्या है उसको जो है से देखने के बाद कागज में ही बताया जा सकता। कितना इसका किलोमीटर है लंबाई? इसका किलोमीटर 7 किलोमीटर में 600 पॉइंट कम है। मतलब ग्रामीणों की किसी भी जब विकास होता है जब गांव में, तो ग्रामीणों में मतलब बिल्कुल एक खुशी की मतलब लहर दौड़ती है, और आप समझ सकते हैं कि मतलब घटिया सामग्री से जब काम किया जाता है तो ग्रामीण बिल्कुल काफ़ी नाराज और मतलब काफ़ी मतलब नाराजगी के साथ मतलब कार्य को बंद किए गए हैं। तो अब मैं कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि मतलब आप दिखाएं, लोलर को आप देख सकते हैं जो मतलब काम यहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो चलिए मैं इस विषय में मैं जानकारी में लेने की मैं कोशिश करता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आप ये बताएं, जैसे मतलब जो सड़क बन रही थी तो मतलब इसमें कार्य को मतलब रोक दिया गया, मतलब इसमें क्या मतलब अनियमितता पाई गई है? ये रोड में इसका जो मटेरियल दिया जा रहा है बहुत घटिया क्वालिटी का दिया जा रहा है, और जो इस्टीमेट के अनुसार से बताया जाता है कि 20 mm देना है, जिसमें 5 mm कहीं 2 mm कहीं 1 mm ऐसे मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ के जनता लोग सब कोई रोड को रोक दिया गया कि घटिया क्वालिटी के नहीं होगा, मतलब काम बंद कर दिया। हाँ, काम बंद कर दिया गया। तो इसमें कौन सा ठेकेदार है, कहाँ के? संजय सिंह को हम लोग जानते हैं, बाकी उधर कौन ठेकेदार हैं वो लोग हम लोग को मतलब। संजय सिंह कहाँ का? बटौआ का। कि मतलब इसमें जितना जल्द हो सके इस मतलब काम को, मतलब जैसे यहाँ पे ग्रामीणों ने इस काम को मतलब रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है, इसमें उचित जांच कर मतलब इस पे कार्रवाई की जाए, ताकि मतलब किसी भी मतलब ग्रामीणों के साथ में मतलब इन लोग आप इस इन लोगों के साथ मतलब किसी भी तरह का मतलब खिलवाड़ ना हो, इसको उचित जांच करके इसको हकीकत में क्या है मतलब इस चीज़ को बनाई जाए। तो सबसे कम रेट में नए डिजाइनिंग खूबसूरत दुल्हा गाड़ी सजावट, सेहला मैरिज हॉल, स्टेज, जयमाला, बैलून के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें गाड़ी सजावट केंद्र चिनिया मोड़ काली मंदिर के सामने गढ़वा झारखंड।